हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्फ़िगरिंग बेसिक EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो इस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। ठीक है, बट उसमें एक चीज़ देखने लायक ये होगी कि मैंने यहाँ पे कमांड ले रखी है। ठीक है, इस कमांड को अगर आप ध्यान से देखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो मैंने इसको कमांड ये लिया है राउटर EIGRP 10 और यहाँ पे नेटवर्क, और ये नेटवर्क दे दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और दूसरे तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक और कुछ कमांड ले रखी है राउटर EIGRP 10 और नेटवर्क, और फिर यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ किया है। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और ऐसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसलिए इसको बेसिक का EIGRP बोला है, तो हम वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ देखते हैं। ये जो कमांड है, क्या कमांड है, ये कमांड जो है हमारे पास क्या है, वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर रन होगी। ठीक है, तो पहली कमांड जो यहाँ पे है राउटर EIGRP 10, तो इससे क्या है, राउटिंग प्रोसेस इनेबल होती है। यहाँ पे लिखा भी है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थ्योरेटिकल, तो राउटिंग प्रोसेस को इनेबल करेगी। यहाँ पर जो 10 इंडिकेट्स करता है, इसको हम ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, दो डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्टम के लिए ये यूज़ होता है, कनेक्टेड रहता है, उनको ऑटोनोमस बोलते हैं। तो ये जो नंबर है, दोनों साइड सेम होना चाहिए दोनों राउटर पर, जब हम EIGRP कॉन्फिगर कर रहे हैं। और दूसरा, ये 1 से लेके 65535 तक हो सकता है। अब यहाँ पे एक स्टेट, हमने इस कमांड के बारे में बात करी, वैसे ही अब यहाँ पे जो नेटवर्क है, ये क्या इंडिकेट करता है, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है नेटवर्क, और उसके बाद में हम नेटवर्क डिफाइन करते हैं, तो ये राउटर कौन से रूट्स को या कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज करता है, उस इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि किस किस इंटरफेस से ये अपडेट्स रिसीव करेगा और किस इंटरफेस से अपडेट शेयर करेगा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम यही सिनेरियो लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जो कमांड रन कर रहे हैं तो उसमें किस कमांड का क्या रोल है, क्या नहीं है। तो मैंने सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दो राउटर लेके रखा है, इनमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर हम देखेंगे इसको, तो ये ब्लैंक है, जैसे अभी रीस्टार्ट किया है कनेक्ट करके, तो इसको नो करेंगे हम, सो IP रूट करते हैं, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सब ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पहले इनेबल करना होगा, इनेबल शो रनिंग, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो सब दोनों ब्लैंक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ही सिनेरियो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये EIGRP को हम इनेबल करेंगे, उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या है, पहले जैसा यहाँ पे लिया है, हम दोनों इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। आप जो चाहें वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यही लिया है और मैं यही ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे इंटरफेस पे चले जाते हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और यहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है 10.1.4.1, तो ये IP दे दिया उस इंटरफेस पे, और इसको क्लास सी का सबनेट मार्क्स दे के एंटर कर दिया। वैसे ही तरीके से यहाँ से एक बार एग्जिट होना पड़ेगा और दूसरे इंटरफेस पर जाना पड़ेगा, जहाँ हमारा 0/0 है, और इस पर भी जाके हमको इस पर IP एड्रेस देना होगा एक, तो इसको भी हम IP दे देते हैं। ये वाला IP क्या रहेगा मेरा, 172.16.1.1, और यहाँ पे जो सबनेट मार्क्स है वो क्लास बी का सबनेट मार्क्स ले लिया है। इतना काम कर दिया है, यहाँ पे हम नो शटडाउन की कमांड भी रन कर देते हैं, और यहाँ पे क्लॉक रेट भी लगा देते हैं। क्लॉक रेट लगा दिया है मैंने 64,000। ठीक है, इसी तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा पोर्ट है वो अप हुआ है कि नहीं हुआ, एटलीस्ट स्विच के साथ में, तो ये पोर्ट अप नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या है, ओ हमने अब मैंने ये सारा कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे कर दिया क्या, नहीं, राउटर बी पे किया कि राउटर ए पे किया है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे एटलीस्ट ये वाली लिंक अप हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो उसके लिए क्या है, फिर से हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे चले जाते हैं, इसको 0 पे चले जाएंगे, और इसको नो शट डाउन की कमांड करेंगे, तो वो मेरा क्या है, ये वाला नेटवर्क अप हो गया। ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इधर पे हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अभी हम सिर्फ IP दे रहे हैं, मैं इस राउटर पे चला जाता हूँ। अब इस राउटर पे भी हम IP दे देते हैं दोनों इंटरफेस को, तो इसको भी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं चला गया, इसको IP एड्रेस दे दूंगा, तो उधर का नेटवर्क है मेरा 192.168.1.0 नहीं है, यहाँ पे 123.1
और ये भी 255.255.0 का नेटवर्क है, इसको भी नो शट डाउन कर देता हूँ। और यहाँ से हमने इसमें भी आईपी दे दी है। अब इंटरफेस बचा मेरा सीरियल, तो हम इंटरफेस पे चले जाएंगे, सीरियल 0/0/, ये 0 नहीं है, ये 1 पे कनेक्ट किया है मैंने। अब इसको भी आईपी दे देता हूँ मैं 172.16.1.2, 255.255.0.0, इसको एंटर कर दिया और यहाँ पे भी नो शट डाउन का कमांड। तो अभी यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी हो गई है चारों तरफ। अगर हम अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मैं एंड करके बाहर निकलता हूँ और शो आईपी रूट करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ आ गया, एक मिनट, शो आईपी रूट की मैंने कमांड रन करी यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही दिखा रहा है दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इमिडिएटली जैसे ही मैंने यहाँ पे आईपी लगाया, यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया, ये हमारा स्टेट था, ये अप हो गया है। और दूसरा चीज़, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम जाएंगे जो मैंने यहाँ पे कमांड ली है, तो ये तो सिंपल आईपी कॉन्फ़िगरेशन था। अब EIGRP को इनेबल करना है या तो कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए हमको दोनों राउटर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राउटर 2 दिख रहा है, वो मेरा राउटर ए है, ठीक है। तो ये इससे मैं बाहर निकलूँगा और कॉन्फ़िगरेशन मोड पर ही रहेंगे हम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, ठीक है। अब यहाँ पर राउटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद में EIGRP और उसके जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो, और दूसरी चीज़ इसके बाद में हम नेटवर्क लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे नेटवर्क दे देंगे। तो नेटवर्क हमारे पास क्या है, जो एडवर्टाइज्ड करना है इस राउटर को, तो वो रहेगा हमारा 10 का। तो मैं इसको सिर्फ 10.10 पे दे दिया मैंने, और दूसरा नेटवर्क रहेगा, तो उसको मैं क्या करता हूँ, 172.16.0.0 पे मैंने यहाँ पे EIGRP पे एडवर्टाइज्ड कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से फिर से मैं एग्ज़िट होता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट होता हूँ, ये बेसिक EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम। इसको फिर से हम शो आईपी रूट करता हूँ मैं, शो आईपी रूट, तो कुछ चेंज दिखेगा यहाँ पे। अभी देखिए, हम जो एडवर्टाइज किया है वो ये है, हमारा 10 का नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज किया है, और इसने इसको समराइज़ कर लिया है वेरिएबल सबनेट मास्क को, तो ये एक समराइजेशन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये चीज़ है, तीन चीज़ें दिख रही हैं हमको। डी क्या होता है, डी होता है EIGRP को इंडिकेट करता है, तो ये EIGRP इसको क्या कर रहा है, एडवर्टाइज़ कर रहा है। यही चीज़ हम अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस होना चाहिए, जब नेक्स्ट टाइम हम मतलब दोनों राउटर पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर देंगे या इनेबल कर देंगे, तो सेम हम राउटर 3 पे भी करेंगे एक बार जाके, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पर चला जाता हूँ, फिर यहाँ पर राउटर लिखता हूँ, EIGRP लिख दिया और ऑटोनोमस सिस्टम 10। अब यहाँ पर हमारे पास दो नेटवर्क है, पहला नेटवर्क कौन सा है, यहीं पर दिख रहा है हमको ये वाला, और एक नेटवर्क है ये वाला। तो हम फिर से इसको 172.16.0. यहाँ पे डॉट और ये हटाएंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी देखिए, इसने इमीडिएटली किया है दूसरे वाले इंटरफेस से, इसका जो नेक्स्ट दूसरे मतलब जो दूसरे राउटर का आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस है, इससे एडजेसेंसी क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैंने इसको एडवर्टाइज्ड किया है, ये वाला नेटवर्क दिया, तो इस इंटरफेस से इसकी एडजेसेंसी क्रिएट हो गई है, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, यहाँ पे इमिडिएटली ये दिखा रहा है, ठीक है। अब वैसे ही एक और नेटवर्क हमको यहाँ पे अपडेट करना है, तो नेटवर्क ये रहेगा और वो है 192.168.123.0, ठीक है। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से भी एग्ज़िट करते हैं। अब यहाँ पे शो आईपी रूट की कमांड हम रन करते हैं, तो हमको यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, पहले डायरेक्टली कनेक्टेड थे दो रूट थे, अभी इसको 10 का रूट पता चल गया है, ये कहाँ से आ रहा है, वाया 172.16.1.1 या तो फिर सीरियल 001 इंटरफेस से, ये इस दो चीज़ के थ्रू इसने इसको अपडेट को रिसीव किया है। हमारा राउटर यहाँ पे ये वाला है, ये वाला नेटवर्क इसको पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है, या तो इस इंटरफेस से आएगा और इस नेटवर्क के थ्रू आएगा, तो इसने अपडेट कर लिया। तो सेम इधर भी होना चाहिए, जब हमने इसको स्वाइप रूट किया था तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा था, ठीक है। तो ये वाला नेटवर्क नहीं था, तो ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसके पास भी होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे उसको भी। राउटर 2 पे जाके फिर से हम वही कमांड रन करते हैं, सो आईपी रूट। तो देखिए यहाँ पे अभी हमको दो चीज़ डी में दिखा रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये हमने इसको एडवर्टाइज किया है और दूसरा इसने रिसीव किया है। तो अभी इसको भी देखेंगे, तो बाया जो 172.16.1.2 के आईपी मतलब जिस इंटरफेस पे ये कॉन्फ़िगर किया उससे, और सीरियल 00 से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस इंटरफेस से ये अंदर आ रही है
और इस वाले इंटरफेस से बाहर जा रही है इस राउटर पे। तो इस तरीके से ई आई आर पी ने हमारा क्या है राउटिंग टेबल को एक दूसरे के साथ में अपडेट कर लिया है, शेयर कर लिया है, सारे रूट्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ी सी एक चीज़ और क्या है, प्रायर टू आई ओ एस वर्ज़न 12.0 या इसको 4 कहें, जो हमारे पास वर्जन था तो उसमें क्या था, द नेटवर्क स्टेटमेंट वर क्लासफुल, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये ई आई जी आर पी एज अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये एक इसके साथ में एक फैक्टर था या फैक्ट था, जो पहले का वर्जन था नेटवर्क स्टेटमेंट क्लासफुल थी, ठीक है। अभी क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल में देखते हैं हम, नेटवर्क 10.0.0.0.0 कमांड वुड एडवर्टाइज द नेटवर्क ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस बिलोंगिंग टू, तो जो कमांड है जो 10.0.0.0 की है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगी, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड कर रहेगा वो बिलोंगिंग की जो भी हमारे पास इस नेटवर्क से बिलोंग करेंगे एंड इट्स सबनेट, ठीक है। इट वुड फर्दर अटैम्प्ट टू फॉर्म, और उसके बाद में ये क्या है रिलेशनशिप एडजेसेंसी क्रिएट करने के लिए ट्राई करेगी आउट ऑफ दिस इंटरफेस। बट अभी हुआ क्या है, आई एस ओ के वर्जन में चेंज हुआ है, आई एस ओ वर्जन 12.2.0 उस ब्रैकेट के अंदर 4 एंड लेटर जो आया है उसने हमको कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ वाइल्ड कार्ड मार्क्स पैरामीटर विच अलाउ अस टू चूज द नेटवर्क्स टू एडवर्टाइज विद इन अ क्लासफुल फैशन। तो हम इसको क्या है क्लासफुल फैशन में भी नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो क्या रहता है हमको वहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ करना होता है। अभी हमने जो सिनेरियो देखा वहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं किया है, बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा है जो नेटवर्क की हमारी जो स्टेटमेंट नेटवर्क के साथ हमारा जो सबनेट मार्क्स है वो भी शेयर हो, तो उस कंडीशन में हम क्या वाइल्ड कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है क्लासफुल फैशन कहलाता है, क्लासफुल तरीके से उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सेम चेंजेस क्या रहेगा, नेटवर्क हमने दिया है यहाँ पे बट क्लासफुल, अभी हमने क्या है मैंने जब नेटवर्क लिया था तो वहाँ पे 3-0 लगाए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे वाइल्ड कार्ड मार्क्स दे दूँगा जो मैच होना चाहिए वहाँ पे मेरा 255 आ जाएगा और इधर पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ई आई जी आर पी को क्या कहते हैं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर हमको ये कमांड रन करनी है तो ये कमांड भी रन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा कॉन्फ टर्मिनल पे और राउटर ई आई जी आर पी पे चले जाएंगे, 10 पे चले जाएंगे। अब हमने जो यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करे थे किया था ये वाले, तो इनको नो कर देते हैं एक बार, ठीक है, हम उस कमांड को भी रन करेंगे यहाँ पे, कहाँ गया ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क इस राउटर पे, ठीक है, तो इसको मैंने नो कर दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एग्ज़िट हो जाता हूँ मैं, यहाँ से भी एक बार एग्ज़िट। अब फिर से हम सो आई पी रूट की कमांड रन करते हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, तो अभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस डायरेक्टली कनेक्टेड को हम नए तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये कमांड गड़बड़ होगी, कॉन्फ टी फिर से राउटर ई आई जी आर पी 10 कर लिया मैंने। अब यहाँ पे फिर से हमको नेटवर्क लेना है, नेटवर्क मैं ले लेता हूँ 172.16.16.1.0 कर लिया। अब यहाँ पे मैं 0.0.0 और .255 एंटर कर दिया। वैसे ही दूसरा नेटवर्क भी लेना होगा मेरे को, तो दूसरा नेटवर्क इस राउटर पे है वो 192.168.123.0 रहेगा और इधर पे रहेगा मेरा 0.0.0.255। तो इस तरीके से भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ, इसको एग्ज़िट करता हूँ, फिर से सो आई पी रूट की कमांड रन करके हम देखेंगे हमको क्या मिल रहा है। तो अभी देखिए फिर से इसको ये मिला कि ये रूट यहाँ से आया है करके, ठीक है, दोनों चीज़ दोनों कंडीशन में काम एक ही हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस दूसरे राउटर पे जाते हैं, राउटर 2 है, अभी यहाँ पे सो आई पी रूट की कमांड करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा ये,
192 वाला ये और ये वाला, इसको भी हम अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहें तो उस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर EIGRP। थोड़ा सा चेंज होगा, अगर हम वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये तीन नंबर जो है वो 0 0 करना पड़ेगा इस तरफ सबनेट मार्क्स में, वो वाइल्ड कार्ड मार्क्स कहलाता है, और इधर पे हमको 10.1.4 का नेटवर्क इंडिकेट करना पड़ेगा, या फिर हम अगर यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर रहे हैं जो भी ले रहे हैं 172.16 यहाँ पे लिया है, तो इधर पे हमने 0.0 करके लिया है, ठीक है, इधर पे 225 225 जो इधर पे 0 0 करके। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने जो सिनेरियो लिया वहाँ पे मैंने 3 बार 0 लिया, लेकिन इस एग्जांपल में 2 बार 0 लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को आप यहाँ से इस URL के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे MCITP के भी वीडियोज़ हैं और CCNA के भी वीडियोज़ हैं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मैनुअल समराइजेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ऑटो समराइजेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बाय बाय।